मैंने सुना कि हिसार में ये लोग गए थे, इन्होंने लखनऊ में करते हैं, तो किस तरह से यंग जनरेशन को जो कि सिर्फ अभी इंटरनेट और टीवी उसके पास है वो एक ही तरह का मतलब एक्सपोजर है, तो अगर दूसरे दूसरे मुल्कों से के लोग किस तरह काम कर रहे हैं और इस एज में अगर एक्सपोजर मिलता है तो इट विल फॉर्म समथिंग न्यू। वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है और ये जागरण बहुत नायाब काम कर रहा है एंड मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, मेरी शुभकामनाएँ हैं इनको, ये सफल हों इसमें और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो फिल्म मेकिंग को किसी और दिशा में ले जाए, जैसा कि ऑलरेडी हो रहा शुरू हो गया है कि हमारी फिल्म मेकिंग में कई तरह की वैरायटी आ गई है, एक ही तरह की फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं, ऑडियंस भी जागरूक हो गई है थोड़ी फिल्मों को लेकर, थोड़ी हर तरह का सिनेमा देखना चाह रही है ऑडियंस, और ये अगर बदलाव होता रहा तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि यहाँ का हमारा कोई डायरेक्टर ऐसा होगा जो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। पहले कुछ थे डायरेक्टर जो कि जिनको के बाहर की टेक्निक की ज़रूरत भी नहीं होती थी, उसके बावजूद उनका कंटेंट, उनका इमोशन, उनकी सेंसिटिविटी ऐसी थी कि पूरी दुनिया में उनका नाम था और सब लोग उनकी फिल्में देखना चाहते थे। तो मुझे आई वोंट बी सरप्राइज के यहाँ से कोई डायरेक्टर निकलेगा, पूरी पीढ़ी निकलेगी और वो वर्ल्ड में अपना सिनेमा दिखा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जागरण का, मनोज जी का, कि मुझे यहाँ बुलाया आज, और 50 दिनों का ये सिलसिला रहता है विच इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत ये सारी फिल्में दिखाई जाती हैं और मेरी भी एक फिल्म जो कल दिखाई जा रही है, आई डिड अ ग्रीक इंग्लिश फिल्म और साइप्रस में शूट किया और साइप्रस फोकस कंट्री है जागरण का इस बार, और ब्लॉक 12 जो कल दिखाई जाएगी, मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ जब मैं साइप्रस में 2.5 महीने शूट करके आई, और ये सारी चीज़ें जिस तरह से दिखाई जा रही हैं, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, आई होप कि जागरण कीप्स ऑन डूइंग दिस एंड सच अ प्लेजर, इंडीड अ प्लेजर कि मुझे मौका मिला कि मैं आज इरफान सर की ये सारी बातें सुनी, मनोज जी के साथ ये सारे लोग, आप लोग सबके साथ मैं खड़े होकर आज ये फिल्म देख पा रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये कि अपने फेस्टिवल को अलग अलग जगहों पे ले जा रहा है, वो सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं है, वो छोटे छोटे शहरों में भी ले जा रहा है और छोटे शहरों में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आजकल इंटरनेट है, आजकल यू नो टीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक फिल्म फेस्टिवल का अपना एक महत्व होता है, उसका अपना एक माहौल होता है, उसका अपना एक फोर्स होता है, उसकी अपनी प्योरिटी होती है। आई डिड अ ग्रीक इंग्लिश फिल्म, वी शॉट इन साइप्रस, एंड साइप्रस इज द फोकस कंट्री फॉर जागरण फिल्म फेस्टिवल दिस ईयर, एंड इट इज गेटिंग स्क्रीन टुमारो हियर, एंड आई एम द ओनली इंडियन एक्ट्रेस इन द फिल्म।